गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। एज टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक नोन एज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इन अर्लियर वीडियो वी हैव सीन व्हाट इज इंश्योरेंस एंड देन वी हैव सीन द टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इन लास्ट वीडियो। टुडे वी आर गोइंग विद द टॉपिक नोन एज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इन दिस वी विल कवर फोर मेजर टॉपिक्स: लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। And then other insurance are also been there, but we will concentrate these four points in detail. So let's begin with the life insurance first. Life insurance is a contract in which the insurer agrees to pay a specific amount on the death of an assured. Insurer मतलब मैं अपनी death के लिए payment कर रहा हूँ। ये example हम लोग ले सकते हैं। On the expiry of a certain fixed period, which is earlier, as an insurer, a company जो है उसको हम लोग आप pay करते हो, insurer company को आप pay करते हो, as an assured that अगर death occurred हो जाएगी तो life insurance के base पे मेरी family को amount मिल जाएगा, या फिर अगर death नहीं हो रही लेकिन fixed period of time हो जाने के बाद में भी आपको payment मिल सकती है। तो यहाँ पे agreement क्या है? This agreement or a contract which contain all the terms and conditions which is in written form, it is considered as policy. एक agreement होता है, एक contract होता है जिसके अंदर rules and regulations लिखे जाते हैं, terms and conditions लिखे जाते हैं और उसके ऊपर आपकी signature होती है, तभी ये policy बनती है। यहाँ पर एक person जो है वो अपनी life को ensure करता है, इसलिए उसको कहता है assured. The person who is making life insurance, he is making ensured that he will pay all the amounts, then it is considered as assured. Where insurance company is considered as insurer. Insurer इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पे payment करते हो as a premium, अगर कुछ हो जाता है तो वो आपको return back में pay करेगा या फिर आपकी family को pay करेगा. Under this contract, the sum assured is paid to the assured if policy matured during his lifetime or to the nominee of an assured in case of his death. Premium has to be paid in regular as an annual, half yearly, quarterly, monthly, depending. यहाँ पर क्या होता है कि अगर maturity period आ जाता है, आपकी death नहीं हुई, आपकी policy खत्म हो गई है, तो आपको amount मिल जाएगा। लेकिन अगर इनके साथ आपकी death हो जाती है, तो आपने जिनको nominee बनाया है, उनको payment मिल जाएगी। यहाँ पे आपको regular interval पे आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ता है। लम सम अमाउंट और स्पेसिफिक अमाउंट हैज टू बी पेड टू इंश्योरेंस कंपनी एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो एक अनसर्टेन इवेंट को रोकने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के इसमें लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंट डिफरेंट वेज के लिए भी यूज किया जा सकता है एक इंडिविजुअल के लिए। सो वी विल सी द टाइप्स ऑफ लाइफ ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो पहले आता है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी जो है उसका प्रीमियम आप 20-30 ईयर्स के लिए रखते हो। अगर 30 ईयर्स खत्म हो जाते हैं फिर भी अगर आप अलाइव हो तो आपको अमाउंट मिल जाएगा एट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम तक। यहाँ पे होल लाइफ पॉलिसी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डेथ इज मस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने फिक्स अमाउंट पे किया हुआ है, तो जब आप फिक्स अमाउंट पे करते हो तो जब तक आपकी डेथ अकर नहीं होती तब तक ये पॉलिसी चलते रहेगी। यहाँ पे डेथ हो जाएगी तो ही वो अमाउंट आपकी फैमिली को मिलेगी, इसको कहते हैं होल लाइफ पॉलिसी। नेक्स्ट इज एंडोरमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। एंडोरमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के अंदर यहाँ पर आपको वो फैसिलिटी मिलेगी जिसके अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो अमाउंट जो है वो आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है, एक एज आ जाती है और आपकी डेथ अकर नहीं हो रही है तो वो अमाउंट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक आपको प्रीमियम पे करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर डेथ हो जाए तो आपका जो अमाउंट है वो आपकी फैमिली को मिलने वाला है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पीरियड निकल जाता है और आपने जो एज मेंशन की थी वो एज अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो वो अमाउंट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इनकेस मैं अगर आज 30 इयर्स का हूँ तो मैंने पॉलिसी जो ली है वो 45 इयर्स की एज की ली है, लेकिन 45 इयर्स से पहले पहले अगर डेथ हो जाती है तो जो अमाउंट है वो मेरी फैमिली को मिलेगा, लेकिन 45 इयर्स अगर मेरे निकल जाते हैं
और मैं सेटिस्फाई भी सर्वाइव कर लेता हूँ, तो वो जो अमाउंट जो प्रीमियम मैंने पे किए हैं वो अमाउंट मुझे रिटर्न बैक मिल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऐसा होता है कि यहाँ पे दो या तीन लोग मिलके एक पॉलिसी लेते हैं, जिसके अंदर अगर एक की डेथ हो जाए तो दूसरे को बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स इन द सेंस, एक की अगर डेथ हो गई तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट दूसरे को सर्वाइवल करने के लिए हेल्प करेगी, जिसको कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ टाइम हस्बैंड एंड वाइफ जॉइंटली पॉलिसीज लेते हैं। अगर हस्बैंड को कुछ हो गया तो वाइफ को पूरा अमाउंट मिलेगा, या अगर वाइफ को कुछ हो गया तो हस्बैंड को पूरा अमाउंट मिलता है। या फिर हम लोग कंपनी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो पार्टनर्स के बीच में ही पॉलिसी हो सकती है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो दूसरे को वो अमाउंट पूरा मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट इज एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे आपको मंथली या एनुअली पेमेंट करते रहना पड़ता है एक सर्टन एज तक, जहाँ पर आप प्रीमियम रेगुलरली पे करते रहते हो। जैसे ही आपकी एक एज खत्म हो जाती है वहाँ से आपको वो अमाउंट मिल जाएगा और फिर वो लमसम अमाउंट को आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी। चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी के तहत ऐसा होता है कि अगर आपका किड आज 4 या 5 ईयर का है तो वो जब 18 ईयर्स का होगा तो उस टाइम पे उसकी एजुकेशन कॉस्ट बहुत हाई होगी, तो वो कॉस्ट को बेयर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए आप चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी लेते हो। या फिर आपकी कोई डॉटर है तो डॉटर की मैरिज के लिए अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये चाइल्ड एंडोमेंट पॉलिसी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डजंट टेक दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज, बट सम आर द पीपल हु थिंक्स अबाउट दिस पॉलिसीज एंड दे आर टेकिंग दिस पॉलिसीज एंड पेइंग द प्रीमियम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड दे गेट द बेनिफिट फ्रॉम दैट अमाउंट। नेक्स्ट पार्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस की जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को यहाँ पे हम लोग हैंडल करते हैं। यहाँ पे आपको प्रीमियम पे करते रहना पड़ता है। इसका स्टार्टअप कहाँ हुआ था? इसका स्टार्टअप mid-80s के अंदर हुआ था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होती थी, तो यहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस की स्टार्टअप हुई थी। यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल केयर जो है या फिर हेल्थ केयर जो होती है उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया और मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाई। यहाँ का जो इसका जो नेचर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग का जो खर्चा है हॉस्पिटल का उसको रिड्यूस करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। यहाँ पे भी प्रीमियम आप लमसम में या इंस्टॉलमेंट में पे करते हो। यहाँ पे अब हम लोग जब टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस हैं। पहला है इंडिविजुअल मेडिक्लेम। मैं अगर बीमार हूँ तो मेरे एक्सपेंसेस मेरे खर्चे मेडिक्लेम से कवर हो जाएंगे। या फिर हम लोग एक ऐसी पॉलिसी ले सकते हैं कि मेरी पूरी फैमिली के लिए मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इन केस मेरी फैमिली के अंदर किसी एक को भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसके लिए भी क्लेम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज यूनिट लिंक हेल्थ पॉलिसी। यूनिट लिंक हेल्थ पॉलिसी के अंदर यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस विद इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट पे बैक्स एन अमाउंट एट द एंड ऑफ द इंश्योरेंस टर्म। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने 10 साल के लिए पॉलिसी ली है तो 10 साल के लिए आप प्रीमियम पे कर दो। 10 साल के अंदर अगर हेल्थ इश्यू कुछ हो जाती है या आप हॉस्पिटल में हो तो ये पॉलिसी के बेस पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन अगर 10 साल तक कुछ हुआ नहीं है और आप हॉस्पिटल में नहीं गए कभी भी तो जो अमाउंट आपने कंपनी को पे किया है वो 10 साल के बाद में आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा। तो यही है टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी। नेक्स्ट पार्ट इज क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट मतलब अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। पहले आता है कैशलेस। कैशलेस में क्या होता है कि डायरेक्ट हॉस्पिटल के साथ में आप टाई अप करते हो। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका हॉस्पिटल के साथ में कोलैबोरेशन है। इन केस अगर आपको कुछ हो गया है तो आपको उस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप उस हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे TPA फॉर्म भरना पड़ेगा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरोगे, जहाँ पे कस्टमर का जो भी पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे करके सेटल कर लेगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो रीएम्बर्समेंट का है। तो रीएम्बर्समेंट में होता क्या है, पहले मैं अगर हॉस्पिटल में हूँ तो हॉस्पिटल के सारे बिल्स मैं चुका दूंगा, हॉस्पिटल मुझे बिल देगा,
वो बिल को मैं पूरा अटैच करके इंश्योरेंस कंपनी में मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं उसको सबमिट करूंगा। जैसे ही सबमिट करूंगा तो TBA जो है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में वो अमाउंट मुझे दे देगा, उसको कहते हैं रीएम्बर्समेंट। तो यहाँ पर पहले पेमेंट करनी पड़ती है फिर बाद में रिक्लेम होता है। वेरस कैशलेस में क्या होता है, आपको सीधा कंपनी को बताना है, कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल के साथ सेटलमेंट करता है। नेक्स्ट पार्ट इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर इंश्योरर जो है वो नॉर्मली प्रीमियम पे करता है, और वो ये भी ध्यान में रखता है कि इन केस अगर कुछ लॉसेस हो जाते हैं ड्यू टू फायर तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट तक आप फिक्स रख सकते हो या फिर एक साल के अंदर की ये पॉलिसी आप इसको ले सकते हो। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एक साल के लिए होती है और इसको आप रिन्यू करते रहते हो कंटिन्यूसली, जब तक आप लमसम अमाउंट पे करते रहोगे वो रिन्यू होते रहेगा। यहाँ पर क्लेम तभी ही पॉसिबल है जब एक्चुअल लॉसेस अकर हुआ हो, आपका जो गुड्स है जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है अगर वो ख़राब हो रहा है या जल जाता है तो ही आपको क्लेम मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे एक्सीडेंटली या नॉन इंटेंशनली फायर अकर होना चाहिए, यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया हो या आपने डैमेज ना किया हो प्रॉपर्टी को, तो इन इंटेंशनल अगर आपका इंसिडेंट होता है तो आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर आपने जानबूझ के किया है तो और इंश्योरेंस कंपनी को अगर पता चल जाता है तो आपका अमाउंट जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट पार्ट इज मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू सी रूट। सी रूट के अंदर क्या होता है, शिप के अंदर आपका गुड्स है, शिप डूब गया, शिप के अंदर चोरी हो गई, शिप के ऊपर अटैक हो गया, या फिर बाद में आपने जो प्रोडक्ट अंदर रखा है वो डैमेज हो गया, उसके लिए आप यहाँ पे इंश्योरेंस लेते हो। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी इन केस अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उस शिप के अंदर ख़राब हो जाती है या शिप अटैक पे आ गई या शिप डूब गई, तभी ही आपको पेमेंट मिलती है। इन शॉर्ट, सी रूट पे जितना भी लॉसेस अकर होता है यहाँ पे मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो टेक ओवर हो जाता है। टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस जब हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस के अंदर तीन पॉइंट्स हैं। पहला है शिप और हॉल्ड इंश्योरेंस। यहाँ पे पूरी शिप को अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस में लिया है तो उसको कहते हैं हॉल्ड इंश्योरेंस। इनके शिप डूब गया, शिप डैमेज हो गया, शिप के ऊपर अटैक हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करके देगी। नेक्स्ट पार्ट इज कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आता है। मरीन इंश्योरेंस के अंदर हम लोग जब कार्गो रिलेटेड प्रोडक्ट इंश्योरेंस लेते हैं, मतलब उस गुड्स के रिलेटेड अगर हमने इंश्योरेंस लिया है और वो इंश्योरेंस लेने के बाद में वो जो प्रोडक्ट है वो अगर चोरी हो जाता है, ख़राब हो जाता है या फिर उसके अंदर कुछ डैमेजेस आ जाते हैं तो कार्गो इंश्योरेंस के बेस पर आपको पेमेंट मिलती है। नेक्स्ट इज फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस जो है वो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का एक गार्ड है जो नॉन रिकवरेबल गुड्स को रिकवरी में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आपने फ्रेट एग्जाम्पल में लिया हुआ है तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया से इंग्लैंड या ब्रिटेन जाने के लिए आपने एक शिप हायर की थी, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो प्रोडक्ट शिप से इंडिया से लेके ब्रिटेन जाने वाला है, उस दौरान में अगर प्रोडक्ट को कुछ भी हो जाता है तो फ्रेट इंश्योरेंस अमाउंट आपको मिल जाएगा। या फिर डॉक यार्ड पे भी वो प्रोडक्ट उतर जाता है और डॉक यार्ड पे भी अगर वो डैमेज हो गया तो भी आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन कस्टमर्स को पिकअप कर लेता है और डैमेज हो गया तो फिर फ्रेट इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ड्यूरिंग की ट्रांजिशन जो भी इंश्योरेंस में अगर नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पेमेंट देगी। नेक्स्ट पार्ट इज री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस। लेट्स टेक विद द री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरर एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर इंश्योरर टू इंश्योर द होल और पार्ट ऑफ द रिस्क कवर्ड बाय द फर्स्ट इंश्योरर। इट हेल्प्स विद द इंश्योरेंस कंपनी फील्स दैट इट कैनॉट बी बेयर द एंटायर रिस्क along with himself. In such case, it transfers a part of risk to the other insurance company. Let's take an example. एक कंपनी है जो normally insurance आपको देती है, ठीक है, लेकिन आपका insurance जो है वो करोड़ रुपए का, एक करोड़ रुपए का insurance आप लेना चाहते हो,
लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी इतना बड़ा रिस्क वो नहीं लेना चाहती, तो वो क्या करेगी, आपको 50 लाख का इंश्योरेंस दे सकती है। तो दूसरा 50 का शॉर्टेज है, तो आप क्या करोगे, आप दूसरी कंपनी के साथ में भी कोलैबोरेट करोगे और वहां पे भी 50 लाख रुपीज का इंश्योरेंस लोगे। जब 50 + 50 = 1 करोड़, इन केस अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो दोनों मिलके आपको पे करेंगे। अगर नुकसान नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं, वो दोनों का जो प्रीमियम आपने पे किया है उसको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप रिन्यू करते रहो, और रिन्यू नहीं करना हो तो वो अमाउंट आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क जो है दोनों कंपनी का इक्वल रहेगा, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होगा, और बैलेंस क्रिएट होने के बाद वो आगे और बढ़ेगा। नेक्स्ट पार्ट इज डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक ही टाइप के रिस्क के लिए दो अलग अलग जगहों पे पॉलिसीज परचेज करते हो, उसको कहते हैं डबल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ऐसा ही कुछ है। यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस के अंदर दो टाइप है, लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में इन केस आपने फुल पेमेंट कर दिया है, पूरी पॉलिसीज आपने पे कर ली है। इन केस यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने सारा पॉलिसी पे कर दिया है, अमाउंट आपने पे कर दी है, पे करने के बाद में आपका मेच्योरिटी पीरियड आने तक आपकी अगर डेथ अकर नहीं हो रही है तो वो अमाउंट एज एन प्रॉफिट आपको मिल जाएगी। दोनों कंपनी मिलके आपको पे कर सकती है। डबल इंश्योरेंस में ये बेनिफिट्स हो सकता है कि आपने जो पॉलिसीज ली हैं वो ली लेने के बाद में आपकी डेथ अकर ना हो, तो दोनों जगहों पे जहाँ पे आपने प्रीमियम पे किया है वो दोनों कंपनी आपको मेच्योरिटी पीरियड ऑफ टाइम के बाद में पूरा अमाउंट आपको रिटर्न बैक कर सकती है। इन केस अगर आपकी डेथ अगर हो जाती है तो दोनों मिलके आपकी फैमिली को पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। ये भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पे इंश्योरर मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा लोगों के पास से वो इंश्योरेंस परचेज करते हैं। यहाँ पे वो लोग ये भी देखते हैं कि जो टोटल क्लेम है वो टोटल प्रोडक्ट के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट 20,000 का ही है लेकिन आप क्लेम 50,000 का कर रहे हो, तो कंपनी 50,000 का पूरा क्लेम नहीं करने वाली, वो आपको 20,000 या 20,000 लेस ही आपको पेमेंट करेगी। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डबल इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पे एश्योर करते हैं कि जितने का गुड्स आपका जला है उतना ही अमाउंट आपको रिटर्न बैक मिल जाए। दिस इज कंसिडर्ड एज डबल इंश्योरेंस। वी हैव कम्प्लीटेड अवर फोर्थ चैप्टर इन टूडेज वीडियो। वी हैव सीन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एंड देन वी हैव सीन लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देन फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड देन टाइप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंश्योरेंस। एंड टूडे वी हैव कम्प्लीटेड अवर टॉपिक बाय एंडिंग दिस री इंश्योरेंस एंड डबल इंश्योरेंस पॉलिसी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर विद अ न्यू चैप्टर। That's it for today. Thank you.